आपको मिलेगी एग्जाम जब बनाना है, तो सादृश्यता होता क्या है ये पहले बनाने से पहले हमको ये जानना चाहिए कि होता क्या है। देखो सादृश्यता में आपको इसका मतलब होता है समान, या बोल सकते हैं जैसे समानार्थी पढ़ते ना, तो उसी के बेस में हमें इसको लेके चलना है। ठीक है, सादृश्यता मतलब होता है के समान। ठीक, और इसकी पहचान अगर क्वेश्चन को आप जानोगे कि सादृश्यता के कैसे कौन सा प्रश्न सादृश्यता का है, तो इसको देखना। जैसे कि ना कोई क्वेश्चन जैसे दिया है आपको, तो उसके बीच ना कुछ लिखा होगा, तो उसके बीच ना ऐसे अनुपात रेशियो का अनुपात बना होगा दो के बीच, उसके बाद फिर समानुपात करके ना फिर एक लिख के क्वेश्चन मार्क करें। समझ आया? मतलब सादृश्यता का बोलने का मतलब है कि उसके समान या के समान। ठीक है, अब इसमें उसके समान बोलने का मतलब है जैसे हम कुछ शब्द लिखा है ना, ये और ये आपस में एक दूसरे रिलेट होंगे। ठीक है, और इसकी पहचान क्या है? अनुपात। ठीक, वैसे ही ना जैसे ये रिलेट है वैसे इसको लेकर हमको चार ऑप्शन में से आपको देखना है कि ये किस प्रकार से अगले वाले से संबंध है। ठीक है, तो इसके लिए आपको सबसे ज्यादा जरूरी चीजें आपको नॉलेज, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इसके नॉलेज बेस में। ठीक है, दूसरा क्या रहेगा, थोड़ा सा आप जब क्वेश्चन बनाओगे तो ऑप्शन लेके भी आप उसके करीब पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ना हम सबसे पहले इस टॉपिक में हमने तीन टाइप से देखेंगे सादृश्यता, तीन टाइप से। इसमें सबसे पहले आता है शब्द सादृश्यता, क्या आएगा? शब्द सादृश्यता। ठीक है, उसके बाद आएगा क्या? अक्षर सादृश्यता, अक्षर सादृश्यता। ठीक है, फिर क्या आएगा? अक्षर के बाद संख्या, संख्या सादृश्यता। ठीक है, शब्द मतलब क्या समझ रहे हो आप लोग? जो शब्दों में लिखा हो, जैसे पानी है ना, जल, ठीक है, ऐसे लिखा है। अक्षर सादृश्यता मतलब क्या समझ रहे हो आप? एबीसीडी फॉर पढ़े हैं ना हम लोग, तो एबीसीडी के फॉर्म में दिया रहता है। संख्या सादृश्यता क्या होता है? नंबर्स है ना, जैसे पांच है तो 25 दिया है, तो ऐसे 6 दिया तो क्या हो जाएगा? 80 का। ठीक है, तो 5-25 जैसे संबंध है वैसे बना। ठीक, तो सबसे पहले ना इसमें हम पहला प्रश्न लेते हैं, कौन से और टाइप फर्स्ट करते हैं क्या, कौन सा शब्द सादृश्यता। तो आप लिख लो टाइप फर्स्ट शब्द सादृश्यता। ठीक है, और देखो आप सादृश्यता के जब हेडिंग डाल रहे हो वहां के ऊपर लिख सकते हो के समान या उसके अनुसार, ऐसा कर। ठीक है, ठीक, तो जैसे पहला प्रश्न देखते हैं, हमको मान लो पूछा है, प्रश्न ऐसा रहेगा, मैं बस पढ़ देता हूं प्रश्न ताकि आपको बार बार लिखने की जरूरत ना। ठीक, सादृश्यता लिखे, सादृश्यता सबसे पहला टाइप क्या लिखे? शब्द सादृश्यता, हेडिंग डाले। ठीक है, अब पहला प्रश्न लिखना, जैसे प्रश्न बोलता है ना, जैसे दिया हमको काला, फिर अनुपात उजला, काला उजला, फिर समानुपात करके दिया है दिन, और अगला क्वेश्चन मार्क कर दिया। ठीक है, काला उजला दिन, समझ आया? ठीक, तो क्या लगता है इसमें क्या होना चाहिए इसका आंसर? जैसे ऑप्शन देते हैं, पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, इसमें पहला ऑप्शन दिया है सूर्य, पहला ऑप्शन क्या दिया है? सूर्य। दूसरा ऑप्शन दिया है चंद्रमा, पहला ऑप्शन दिया है सूर्य, दूसरा ऑप्शन दिया है चंद्रमा, तीसरा ऑप्शन दिया है रात, और चौथा ऑप्शन दिया है अंधेरा। चौथा ऑप्शन दिया क्या? अंधेरा। ठीक है, क्या है आंसर पक्का? क्या देखो, अब यहाँ पे मैं क्या बताया हूँ, इसका पहचान के प्रश्न का अनुपात लगा, देख लो एक बार समझ लो, क्योंकि जब ये वाला जो शब्द लिखा है ना, ये किसी ना किसी प्रकार से एक दूसरे से संबंध होगा। ठीक है, उसके अनुसार जो जैसे संबंध है वैसे इसका भी हमको विकल्पों से देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो काला को क्या बोला गया है? उजला। काला मतलब एक समझ सकते हो, क्या बोल सकते हैं, जिसमें कुछ दिखता ही है ना, और उजला मतलब देखते हैं उजाला, उजाला समझ गया, मतलब जिसमें सब दृश्यमान होता है ना। तो काला उजला का क्या है? उल्टा है, विलोम है ना, विलोम सब बोल सकते हैं। वैसे दिन है, दिन का उल्टा क्या हो जाएगा? रात। हमारा आंसर क्या आएगा? रात। यहाँ क्या लिख सकते हैं? रात। समझ आया?
तो थोड़ा सा इसमें आपको ना थोड़ा मेच्योरिटी के उपयोग करना होगा दिमाग का कि अच्छा होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, दो चार क्वेश्चन करते जाएंगे इसमें तब समझ आएगा। ठीक है, किसी को कोई डाउट हो तुरंत पूछ सकते हैं, कोई घबराने या कोई डरने वाली बात नहीं। ठीक है, समझ आया? अगला जैसे लिखना प्रश्न, गुनगुना, फिर लिखा है गर्व, गुनगुना गर्व, फिर लिखता है अच्छा, और उसके बाद है क्वेश्चन मार्क, गुनगुना गर्व अच्छा और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ऑप्शन दे। ठीक, पहला ऑप्शन लिखना बुरा बुरा, दूसरा ऑप्शन मंद, तीसरा ऑप्शन उत्कृष्ट आएगा और चौथा ऑप्शन बुद्धिमान। सी क्या ना चाहिए, क्या लगता है? उत्कृष्ट। बाकी लोग क्या बोलते हो? समझे इस क्वेश्चन को? देखो अब इसको और इसको आपस में रिलेट करो, गुनगुना गुनगुना और गर्म। तो हम जब जैसे पानी गर्म करते हैं तो सबसे पहले पानी हल्का ठंडा हल्का गर्म होता है, हम उसको क्या बोलते हैं? गुनगुना बोलते हैं ना, और उससे ज्यादा होता है उसको गर्म होता है, यानी गर्म की सामान्य अवस्था बोल सकते हैं। गर्म की कौन सी अवस्था है? सामान्य। वैसे अच्छा, अब अच्छा होगा तो ऑप्शन एक बुरा, ये तो विलोम हो गया, ये ऑप्शन कटा, ये हो गया मन, ये तो ऑब्वियस नहीं होगा, ये क्या उत्कृष्ट, और एक आता है बुद्धिमान। अब देखो उत्कृष्ट क्या है? अच्छे का एक सामान्य अवस्था बोल सकते हैं ना, उत्कृष्ट है एवरेज ऐसे बोलते हैं। तो ये हमारा क्या है उत्तर? उत्कृष्ट। समझ आया? किसी को बुद्धिमान थोड़ी लग रहा है, ऐसा थोड़े कि जबरदस्ती चीख रहे सर तो अपने हिसाब से, ऐसा नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन करें। ठीक, अगला क्वेश्चन लिखना, जैसे कि प्रश्न पूछता है क्या प्रश्न, लिखता है कपड़ा और कपास, फिर समानुपात करके लिखना कपड़ा कपास, फिर लिखता है ईट ईट। ठीक है, और क्वेश्चन मार्क, ऑप्शन दो। पहला बोलता है चिमनी, हाँ किसी का नाम है घर में है क्या क्या किसी को तो प्यार से घर बोलते हैं ना, फिर मकान, फिर लिखते हैं मिट्टी, फिर लिखते हैं दीवार, मकान मिट्टी और दीवार। ठीक है, क्या हो सकता है? अपना अपना आंसर दे सभी, मिट्टी और और चलो अब इसमें मकान आएगा। चलो ऑप्शन टू चलते हैं, पहले इसको देखो कपड़ा को क्या बोला है, अब कपड़ा किससे बनता है, यानी कपड़े की पहले वाली अवस्था है ये, है ना, वैसे हमको क्या बनाया है ईंट, तो ईंट से किससे बनेगा पहले वाली अवस्था रही, अब ईंट से चिमनी तो नहीं बनेगा, ये तो समझ लें, बनाएंगे चिमनी भी तो ईंट से बनाएंगे, तो ईंट के बाद वाली अवस्था, ईंट के पहले वाली अवस्था नहीं, हमको क्या जैसे मिलेगा कपड़ा के पहले वाली अवस्था क्या थी, कपास, वैसे ईंट किससे बनता है, मकान से मिट्टी से की दीवार, वो क्या आएगा मिट्टी से। समझ आया? ये हम कैसे जान उत्तर को, क्योंकि हमारा पहला वाला जो आपस में रिलेट था उसी हिसाब से, क्लियर होते चल रहा है ना। ठीक, और शब्द दे। ठीक, देखते हैं आप लोग कितने ज्ञानी। ठीक है, जैसे लिखना एक क्वेश्चन आया था 2017 में व्यापम में पूछा गया था, प्रश्न लिखो यकृत हृदय, यकृत हृदय, यकृत को क्या बोलते हैं?
रिक्त और क्वेश्चन मार्क, ये 217 क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसलिए पूछा है क्या क्या ऑप्शन है। पहला ऑप्शन दिया है खून, दूसरा ऑप्शन दिया है नाक, तीसरा ऑप्शन दिया है फेफड़ा और चौथा दिया है वॉशरूम जैसे जाते हैं ना वही दिया, ठीक है। क्या हो सकता है देखो, यकृत हृदय रिलेट करो, सोचो इसका क्या हो सकता है। नहीं समझ आया क्या है का? कैसे दोनों किससे संबंध होगा? दोनों का संबंध है रक्त के शुद्धिकरण होता है, दोनों का काम है ना। वैसे अगर वृक्क को देखे तो वृक्क किससे संबंधित होता है कहीं ना कहीं, है ना। अब उसके बाद लेकिन ये आपस में संबंध है, दोनों वही काम करते, इसके साथ और कौन ये काम करता है, फेफड़ा। समझ आया, समझ आया ना। तो इसके साथ क्या है उत्तर, फेफड़ा, ठीक है। इन दोनों को आपस से रिलेट करके बनाइए, ठीक। कैसे आपको आ रहा है समझ? आप मस्त एकदम ऐसे जगह बैठे जैसे दुनिया से कोई मतलब नहीं, ऐसे लग रहा है जैसे आप चंद्रयान 3 पर बैठे हैं और देख रहे हो पृथ्वी वहां से क्या क्या कर रहे ठीक, कोई दिक्कत नहीं। समझ आया? चल एक और क्वेश्चन करें क्या? जैसे लिखना दवाई और दवाई की गोलियां, क्या लिखे? दवाई और दवाई की गोलियां, ठीक है, क्लियर। अब अगला लिखना इसके बाद वाला ऑप्शन बना के लिए, ये दिया है एक साथ। अब दो दो ऑप्शन को एक साथ मतलब ऑप्शन लेना, दोनों का रिलेशन करके बना के दिया। जैसे पहला लिखना ज्ञान अनुपात पुस्तके, ज्ञान अनुपात पुस्तके। दूसरा ऑप्शन दिया है मसाले भोजन, सुबह सुबह से याद दिला दी, मसाले और भोजन। तीसरा ऑप्शन लिखना मसाले और भोजन, घड़ी और समय, घड़ी और समय। और चौथा ऑप्शन है रेडियो और ध्वनि, रेडियो और ध्वनि, ठीक है। क्या हो सकता है, क्या दवाई और दवाई की गोलियां? जैसे अब हम इसको सोचते, पहले इसको देखते, हम किसकी बात करें पहले, दवाई। अब दवाई की श्रेणी में सभी दवाई आ जाते हैं, मेडिसिन जितने भी हैं, गोली है, टॉनिक है, एक्सेप्ट्रा, जो बड़ा बड़ा इतना बड़ा खाते हो गोली, है ना, वो सब है। तो इसकी श्रेणी में यहाँ दवाई की गोलियां दी, ठीक है। अब वैसे ही हम अगर आपस में इसको रिलेट करके देखें तो सबसे पहले ज्ञान को देखते हैं। ज्ञान की बात मतलब बहुत सारे नॉलेज आ जाते हैं। अब नॉलेज भी हमको कहां से मिलता है, उसके एक जरिया क्या है, पुस्तकें। जैसे दवाई का जरिया क्या था, दवाई की गोलियां बताने का, दर्शाने का, वैसे ज्ञान की जगह क्या जाएगा, पुस्तकें। ये ऑप्शन एक सही जा रहा है ना। बाकी ऑप्शन को देखते हैं, जैसे रेडियो, रेडियो क्या बोला है, ध्वनि। यहाँ पे आप देख लो दवाई, दवाई की गोलियां, यानी कि रिलेशन में एक अंश निकल रहा है, यहाँ वो चीजें नहीं है, रेडियो ध्वनि एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। साथ ही देखो ये भले बोल सकते हो रेडियो से ध्वनि आ रही है, लेकिन क्या एक विशेषता है, ध्वनि तो आना ही तब ना सुन पाओगे, है ना। और मसाले से भोजन, ये कोई मसाला बोले तो भोजन ही आएगा ऐसा नहीं, मसाले में और भी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। और समझ आया, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ज्ञान है तो पुस्तकें, ठीक है। भविष्य में वह अनपढ़ नहीं कहलाएगा जो पढ़ नहीं पाया, समझ आया। भविष्य में वह अनपढ़ नहीं कहलाएगा जो पढ़ नहीं पाया, भविष्य में वह अनपढ़ कहलाएगा जो
कैसे सीखा जाता है ये नहीं सीख पाए, समझ आया? तो आप लोग को ना सीखना चाहिए कैसे सीखे, और ये अगर नहीं सीख पाओगे फिर दिक्कतें हो जाएगी, ठीक है। अनपढ़ उसको नहीं कहा है, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे काम हुए और जो उस शिक्षा से सीख नहीं पाया वो अनपढ़ किसने मिल गया। हमारी आवाज आ रही है पीछे, ठीक है, समझ आया? तो मेरे हिसाब से शब्द वाला आप लोग को समझ आ गया होगा, ठीक है। अब इसके दूसरे टाइप में पढ़ते हैं, कौन से सादृश्य था? अक्षर सादृश्य, ठीक है। चल अक्षर सादृश्यता में सबसे पहले अब इसके समझते हैं, पहले की पहले भी क्लास हम लोग पढ़ चुके हो अक्षर सादृश्यता क्या होता है। अक्षर सादृश्यता में क्या बताते हैं इसके पहले कि इसमें अंग्रेजी वर्णमाला के, अंग्रेजी वर्णमाला के आपको क्या मिलेंगे, क्या मिलेंगे, लेटर्स यानी अक्षर बोल सकते हैं मिलेंगे। जैसे कि आपको ए बी सी डी में कुछ लिखा दिया है तो उसको आपको कोड को डिकोड करके आपको बनाना पड़ेगा, और इसके लिए हम पहले क्लास में पढ़ चुके हैं। तो इसके पहले हमको दो तीन चीजें हैं इसको याद रखें, पहला ए बी सी डी से लेके कहां तक, जेड तक, सबका पोजीशन सबका मान याद रखना है, कौन सा नंबर कौन आता है, ठीक है। जैसे ए का पोजीशन क्या है, बी का, सी का, चार का, डी याद आता, ठीक है। जैसे जैसे पानी बहता है ऐसे बह जाए, ऐसा नहीं, जिधर पानी बह रहा है उसकी धारा की विपरीत बहो तब तो कुछ कर पाओगे, अब विपरीत मतलब उल्टा काम नहीं कर रहे तो इसको पहले करते हो, ठीक है। लास्ट में क्या आता है, छब्बीस, ठीक। वैसे ही इसको याद करने का और क्या बताया था, डायरेक्ट जो टी ई जे ओ टी वाई, पांच दस पंद्रह बीस और पच्चीस, ठीक है, ये दो चीज है। तीसरी बात क्या याद रखना है हमको कि हम ये जानते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला ये तो होता है, साथ ही साथ हमको ये देखना है कि एड 27 मेथड ये क्या होता है, यानी कि एक दूसरे का विलोम विपरीत, अगर ए का विपरीत पूछे, ए का विपरीत तो ए का पोजीशन सबसे पहले हमको ध्यान रखना चाहिए, ए का पोजीशन क्या होता है, एक, तो एक में कितना जोड़ेंगे, 27 आए, हम 26 जोड़ेंगे तो क्या आना चाहिए, 27, क्योंकि हम ये मेथड कोई नाम दिए हैं और 27 आ रहा है तो यानी किसको जोड़ रहे हैं, 26 को, यानी जेड, और ए का मतलब क्या था, यानी ए का विलोम क्या होगा, जेड। तो ऐसे भी इसका उपयोग करना है कुछ कुछ प्रश्नों में, समझ आया, ठीक। तो सबसे पहले इसको जानते हो, पहले से लिखने की जरूरत नहीं है, किसी को लिखना चाहो तो लिख सकते हो या उसके लिए वीडियो देख सकते हो, ठीक है। अरे हाँ तो बोलो, अच्छा लगता है, भले झूठा दिलासा दो, देखेंगे पहले, ठीक है, मान के चलता हूँ, देखिए। चलो प्रश्न लिखना, लिखना चलो प्रश्न लिखो, लिखना जिस प्रकार ए ई एच एन, ए ई एच एन है ना, डॉट रेशियो को निशान में लाना, अनुपात अनुपात बी जी के आर, ठीक है, क्या है, बी जी के आर। तो उसी प्रकार डी डी फॉर कुकुर वाला डी ना, डी एफ जी डी एफ जी एल अनुपात क्वेश्चन मार्क, ठीक है, समझ आया, इससे डायरेक्ट कैप्चर हो रही सर, है ना, समझ आया ये। तो देखो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमको ये देखना है कि इसमें क्या करना है, सबसे पहले हमको ये देखना है कि कौन से पोजीशन में कौन कौन सा आता है, ठीक है, यानी ये और ये दूसरे से क्या है, संबंध है, इसीलिए किसी का यहां सबसे पहले ए का क्या आएगा, ई का, एच का, एम का, बी का क्या आएगा, जी का, सात, के का और आर का, अठारह। अब इसको देखो, सोचो कि कैसे ये बना है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं ए का एक है, बी का दो है, ठीक है। तो अगर हम यहां और यहां को देखें, ए को क्या बना है, बी सपोज है ना, ये ट्राई करते हैं,
ए का देखे क्या बी कितना बना है तो प्लस वन, ई को देखे इससे जिस कितना किया प्लस टू, आठ का देखे किससे कितना बना हो प्लस कितना क्यों थ्री, और चौदह का कितना किया होगा प्लस प्लस चार किया ना, तो प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री और प्लस फोर। तो वैसे क्या कर सकते हैं हम, किसका निकाल पूछा था हमको प्रश्न में बोलो जी एफ जी एन, ठीक है। तो देखो एक में एक जोड़ कितना बनाए थे दो, तो सबसे पहले चार हाँ बी एच जे आर हाँ गुड, चलो डी का क्या होगा चार, एफ का कौन सा होगा जी का एन का, जैसे इसमें हुआ है वैसे इसमें है। चार में एक जोड़ी कितना बना दिए छह में दो जोड़ी कितना बना दिए सात में तीन जोड़ी कितना और चौदह में चार जोड़ के अठारह, तो पांच में कितना हो जाएगा आपका ई, आठ का दस का और अठारह का आर, तो ई एच जे आर इसका आंसर होगा, क्या होगा ई एच जे आर, समझ आया समझ पाए ठीक। लिखो जल्दी इसको, पीछे आ रहा ना समझ, चलिए आगे बढ़े लिख लिए, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो दूसरा। दूसरा क्वेश्चन बोलता है ए सी एफ, ए सी एफ अनुपात, ए सी एफ अनुपात पी आर यू, पी आर यू ठीक है। फिर बोला है समानुपात ई जी के, समानुपात E, G और K, इसके बाद भी आपको क्वेश्चन मारो यानी ये क्या करेंगे इसके बाद, ठीक है। बिना ऑप्शन के पहले सॉल्व करेंगे आप, यस सर ठीक। सबका पोजीशन लिख ले, A का कितना होता है A का होता है A, C का B और F का छह, P का अच्छा पी था क्या, पी आर था पी है ना आर दिख रहा था है ना, और आर का यू का इक्कीस इक्कीस, चलो इतना पहले देखते हैं ठीक है। अब हम देखेंगे एक को तीन, तीन को छह, सोलह को अठारह, अठारह को इक्कीस है ना, तो कैसे बना सकते हैं इसको, आपस में ही संबंध दे सकते हैं ठीक है। जैसे अगर मान लो एक में मैं क्या जोड़ दूं, आपस इसका देख लेते हैं, एक में क्या जोड़ दूं प्लस टू हुआ, और इसमें कितना जोड़ दूं प्लस थ्री, एक में दो जोड़ के तीन, तीन में तीन जोड़ के छह, समझ आया। वैसे इसको लिखता हूं, सोलह में कितना जोड़ दूं और अठारह में कितना जोड़ दूं, मतलब क्लियर है ये सही आ रहा है ना। अब हम इन दोनों का देखते हैं, इन दोनों का एफ से पी में कैसे अंतर गया है, एफ से पी में तो एफ का कितना होता है छह और पी का कितना होता है सोलह, तो कितने का अंतर दिख रहा है प्लस टेन का, तो यहाँ प्लस लिख देते हैं ठीक है, समझ आया। चलो अब इसका बनाया क्या, ई का कितना होता है पांच, जी का सात और के का ग्यारह ठीक है। अब हम देखते हैं पांच में कितना जोड़े हैं, तो यहाँ भी दो जोड़ दे क्या प्लस टू, और सात में कितना जोड़े हैं, सात में कितना जोड़ रहे हैं चार, ठीक कोई दिक्कत। मैं क्या बताया हूं ये और ये एक नियम को फॉलो करेंगे है ना, उसके बाद ये जो नियम फॉलो करेगा उसी हिसाब से इधर फॉलो करेगा। अगर इसमें दो जोड़े हैं इसमें तीन जोड़े तो सेम इसमें भी हुआ, अगर इसमें दो जोड़े इसमें चार हो तो आने वाले जो दो संख्या होंगी उसके बीच कितना होगा प्लस टू और इसके बीच कितना होगा प्लस फोर, ये होगा। अब हमको देखना है इसके और इसके बाद, तो हम लास्ट में क्या देखे थे इसमें कितना था दस, तो हम यहाँ भी उसका ही अंदाजन दस मान लेंगे, ग्यारह में दस जोड़े कितना आ जाएगा इक्कीस, ग्यारह में दस जोड़े कितना आ जाएगा इक्कीस, तो इक्कीस को लिख लेते हैं यहाँ पे
लिख ले, ठीक है यहाँ 21 लिख ले, उसके बाद यहाँ कितना लिख ले, 21 में दो जोड़ के 23 और 23 में चार जोड़ के 27, समझ आया। अब 21 का क्या हो सकता है बताओ, यू, जब 23 का और 27 का जेड के बाद वापस ए में आ सकते हैं, आ सकते हैं ना, उत्तर क्या होगा, यू डब्ल्यू ए, क्लियर, समझ आया, ठीक, लिख लो। चलिए अगला प्रश्न क्या है, यदि एक्स वाई जेड को इतने लिखा गया तो इसको क्या लिखा जाए, यही समझ सकते हो, ठीक है। तो हम फिर से देखेंगे आपस में क्या है, कैसे रिलेशन बना है ना, और ये निशान क्या है, अनुपात का, यानी ये जब आपको दिखे तो आप समझ जाना है कि कौन सा टॉपिक है, सादृश्य का, ठीक। तो सबसे पहले W का कितना होता है, पोजीशन देख लो, W का क्या होता है, 23, X का, Y का और Z का 26, ठीक है। उसके बाद A का कितना होता है, B का, C का और D का 4, तो 23, 24, 25, 26 को 1, 2, 3, 4 बनाए, कैसे पॉसिबल, कैसे सर, K, L, M, N, आंसर बता, ठीक, हो सकता है, कैसे बनाया, देखो हम लोग 23 में, अगर इसके बाद आप देखोगे अंतर कितना था, जैसे हम पहले बनाए 23 में प्लस 1, फिर प्लस 1, फिर प्लस 1, है ना, प्लस 1, प्लस 1, प्लस 1, Z और 26 A के बीच अंतर देखो, 26 और 27 होता है, अपोजिट है, समझ आया ना, तो हम वही करेंगे क्या, सबसे पहले तो इनके बीच देख रहे हो प्लस 1 चल रहा है, प्लस 1 चल रहा है और प्लस 1, इसके बीच देखेंगे प्लस 1, प्लस 1 और प्लस 1, लेकिन ये और ये क्योंकि इसका डिस्टेंस लेंगे तो हम P के बाद अगला डिस्टेंस ले पाएंगे ना, तो ये देखने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा, और 26 और 1 कितना हो जाएगा आपका 27, यानी हम जानते हैं कौन सा मेथड है, विपरीत, है ना, विपरीत मेथड जो बताया था, जोड़ने का ये कितना होना है 27, तो n का कितना होता है, 13, n का 14, o का 15 और p का 16, उसी प्रकार अगला हम अब देखेंगे, तो जैसे यहाँ भी प्लस 1, यहाँ भी प्लस 1 और यहाँ भी प्लस हो रहा है, तो अगला भी प्लस होने चलेगा, p के बाद हम क्या देखेंगे कौन सा आएगा, तो यहाँ पे देखो उल्टी क्रम किया था ना, तो यहाँ पे 27 का 16 में कितना जोड़े 27 आएगा, कितना 11, तो हम 11 जोड़ेंगे तब 27 आएगा, और 11 किसका होता है, इसका के, तो के लिखे, अब के के बाद हम सब में प्लस 1 किया, जिसे प्लस कर के के बाद एल, फिर एल, तो आंसर क्या होगा, के एल एम एल, क्लियर हुआ। अभी देखो आप लोग का एकदम शुरुआती कंडीशन में हो, शुरुआत कंडीशन मतलब ना अभी आप स्टार्ट किए पढ़ना, ठीक है, और जनरली होता क्या है ना कि जब हम स्टार्ट करते हैं पढ़ाई का, और खासकर तब जब हम एक कॉलेज के बाद एक ऐसे मोड पे आ जाते हैं जहाँ पे हमको एक गवर्नमेंट जॉब की जरूरत रहती है, जब हमारा एम वही रहता है, तो आप जब पढ़ते हो ना तो कभी भी पढ़ने के लिए आप कभी भी ऐसा नहीं कि हर बुक को प्रिफर करो, समझ रहे हो ना, आपको जो क्लास से बताया जा रहा है, आपको जो टीचर बताएंगे वही करना, आपको अगर एक क्वेश्चन बताया जा रहा है तो इसके हिसाब से एक ही बुक को और एक ही बुक को बार बार पढ़ना है, 10 बुक पढ़ने की जगह अच्छा है एक बुक पढ़ना, एक बुक को 10 बार, समझ आया, ठीक, भाई एक बुक को 10 बार पढ़ना, क्लियर है, क्योंकि देखो आप लोग अभी स्टार्टिंग में, और स्टार्टिंग में क्या है ना, जो मैं पीडीएफ भेज रहा हूँ आपको, पीडीएफ के अकॉर्डिंग ही चलना, पूरा पीडीएफ का क्वेश्चन करना, क्लास का क्वेश्चन करना, जो प्रीवियस ईयर आया उसके भी क्वेश्चन लास्ट में आप लोगों को भेज रहा हूँ, समझ आया, और उससे ज्यादा अगर आपको चाहिए तो आप बुक मार्केट में है, मैं बता सकता हूँ कौन सा बुक खरीदना है ना, लेकिन पहले आप पीडीएफ अच्छे से करिए, ठीक है, समझ आया, ये बन गया ना, ठीक, अगला चले, तो मेरे हिसाब से अच्छा सा दृश्य समझ गए क्या कंडीशन बन सकते हैं, क्या बोलते हो, बताओ ये है, आगे बढ़े, सभी लोग बोलो इस बार क्या करते हैं, आगे बढ़े, इधर आप लोग, यस सर, हाँ बगल वाले पूछो, इधर सर आप क्या करना है, सहकारिता विभाग के पदों व मत्स्य निरीक्षक के पदों के लिए भर्ती की सूचना आ गई है, साथ ही हमारी संस्था द्वारा न्यूनतम शुल्क में नई बैच प्रारंभ कर दी गई है, तो आज ही दिए गए नंबर में संपर्क करें और अपनी तैयारी को सुदृढ़ बनाएं। RMCS क्लासेस आरंग